हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी साथियों के लिए एक अलर्ट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि हमसे एक ओटीपी मांगा जाता था और हमारे बैंक अकाउंट से रुपए कट जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में, आप लोगों ने सुना होगा कि यहां पर दिल्ली के एक शख्स के पास 3 कॉल आते हैं और उसके 48 लाख रुपये चले जाते हैं, जिसको सिम स्वाइप फ्रॉड माना जाता है। सिम स्वाइप फ्रॉड होता है जो कि आपकी सिम के नाम से ही बिल्कुल सेम आपके नंबर पर यहाँ पर एक सिम बनाई जाती है, जिसके जरिए ओटीपी और नेट बैंकिंग इत्यादि का यूज करके पैसे को निकाल लिया जाता है, सिर्फ आपके पास एक कॉल आता है। तो दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों से कैसे बचना है, इन सबका वीडियो इसमें बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे फ्रॉड आ चुके हैं, यहाँ पर आधार से भी आपका फ्रॉड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, आपके फिंगर को स्कैन करके इत्यादि तरीकों से आपका यहाँ पर यूज किया जाता है, जिससे आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जाता है बिना ओटीपी के। तो दोस्तों आपको कैसे बचना है आपको मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी आपके पास कॉल आती है तो अगर कोई नहीं बोलता है तो आपको एक बार में उसका कॉल उठाना है, और नहीं बोलता दोबारा से उसको ब्लॉक कर देना है। वहीं पर एक दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें कि आपका आधार यूज करके यहाँ पर पैसे निकाले जाते हैं, तो इसका उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप कहीं भी यहाँ पर चार्ज कर लेते हैं अपने मोबाइल को, केबिन लगी होती है उससे भी आपका डाटा यहाँ पर ले लिया जाता है और आपका फ्रॉड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं सेकंड तरीके के बारे में, आपको कैसे बचना है। तो सबसे पहले हमें UIDAI की वेबसाइट पर आ जाना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से एक वेबसाइट मिल जाती है, उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का। आपका कोई भी यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ पर फ्रॉड से बचाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक अनलॉक आधार का। सिंपल सा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आसानी से अपने आधार कार्ड को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट करेंगे, यहां पर आपको आधार नंबर डालना है, यहां पर फुल नेम डालना है, पिन कोड और यहां पर कैप्चा को फिल करके ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे तो सिंपल सा आप इसको लॉक कर पाएंगे और अनलॉक भी यहाँ से कर पाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपका बैंक अकाउंट खाली होने से आसानी से बच सकता है।